दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने घर का, जमीन का या फिर प्लॉट का पीआर कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल की मदद से। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों पीआर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है डिजिटल 712। इस तरह से लिखकर आपको यहाँ पर यह सर्च करना है। तो आपके सामने देखिए एक पहली लिंक आएगी, सबसे पहली लिंक digital712.mahabhoomi.government.in, यह ऑफिशियल वेबसाइट है महाभूमि की। इस पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर देखिए वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से 3 लाइन पर क्लिक कर आपको यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। तो कंप्यूटर में जिस तरह से पेज नज़र आता है उस तरह से पेज आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पर अपनी सबसे पहली स्टेप है पीआर कार्ड को डाउनलोड करने की। आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। अगर आपके पास इस वेबसाइट की आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ से न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कर अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ से बनवा लेना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए अपनी यूज़र आईडी को डालना है, यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा टेक्स्ट आपको दिख रहा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर भरना है और सिंपली दोस्तों आपको यहाँ से लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम, आपको आपका नाम भी यहां पर नजर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, डिजिटल 712, डिजिटल साइन 8 अ, डिजिटल साइन फेरफार, दोस्तों यहाँ पर डिजिटल साइन पीआर कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड भी जिसे हम कहते हैं, सिटी सर्वे की नकल भी हम उसे कहते हैं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अकाउंट में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपसे आपको अपने अकाउंट को रिचार्ज करवा लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये पेड सर्विस है, यहाँ पर आपके पैसे यहाँ पर कटते हैं अपने इस वॉलेट से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप यहाँ से 15 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में कितना भी अमाउंट यहाँ पर आप क्रेडिट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक पीआर कार्ड की फीस होती है 65 रुपये, तो अगर आपको एक ही पीआर कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर 65 रुपये का रिचार्ज कर लीजिए। तो अभी हमारे अकाउंट के अंदर रिचार्ज किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर अभी नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम अभी आपको एक पीआर कार्ड डाउनलोड कर बताते हैं। सबसे पहले आपको अपना विभाग चूज़ कर लेना है, जो भी आपके विभाग में आता है, नागपुर, नाशिक, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखिए औरंगाबाद रीजन से है, औरंगाबाद विभाग से है और यहाँ से दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ कर ली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ऑफिस पूछ रहा है, तो ऑफिस आपका जो भी आता है डिस्ट्रिक्ट में वो ऑफिस यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अपना विलेज, जो भी आप विलेज में रहते हैं तो वो विलेज का नाम आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। जो भी आपका विलेज है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हमें मैसेज दे रहा है यहाँ पर, प्रॉपर्टी कार्ड फी फॉर दिस विलेज ऑफ RS 45। विभाग के हिसाब से, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये फीस अलग अलग होती है। तो अभी हमारा जो विभाग है, जो ज़िला है, उसमें यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 रुपये हमारे कटने वाले हैं, ऐसा हमें मैसेज दे रहा है। तो हम यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी कार्ड फीस फॉर दिस विलेज RS 45, इस तरह से हम यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए CTS नंबर, सर CTS नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना CTS नंबर इंटर कर देना होगा। तो हम यहाँ पर देखिए CTS नंबर इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी डाटा नॉट फाउंड बढ़ता रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्राई करते रहना है। इस तरह से आप जैसे ही ट्राई करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से आपको अपना CTS नंबर चूज कर लेना है, जो भी आपका CTS नंबर है, इस तरह से आपको यहाँ पर ये चूज कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक डाउनलोड वाला बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो सिटी सर्वे नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पूछ रहा है आप कौन से PDF व्यूअर में से ओपन करना चाहते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर PDF में PDF व्यूअर में से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने देखिए मालमत्ता पत्रक निकल कर आ जाएगा, आपका सिटी सर्वे की कॉपी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, जहाँ पर आपको अपना सिटी सर्वे नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी जगह का क्षेत्र कितना है वो देखने को मिलेगा, प्लॉट नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जगह का मालक कौन है अभी फिलहाल में, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए फेरफार क्रमांक जो भी है, कब ये फेरफार हुआ था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसका यहां पर एक देखिए कुछ कमेंट दी हुई रहती है, वो भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिजिटल साइन है, यहां पर किसी की भी साइन और सिक्के की जरूरत नहीं है, यह हर जगह वैलिड है और बिल्कुल ओरिजिनल प्रॉपर्टी कार्ड है, पीआर कार्ड है। दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल के जरिए
प्रॉपर्टी कार्ड को, पीआर कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों पीआर कार्ड के बारे में अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।